नमस्कार, मई नाइन की खास श्रृंखला मनी मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। अपनी इस खास श्रृंखला में हम बाजार के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से मिलेंगे और उनसे ये जानेंगे कि शेयर बाजार में आपको अपनी निवेश की रणनीति कैसे बनानी चाहिए जिससे आपको मुनाफा कमाने में मदद मिले। मनी मास्टर की श्रृंखला में आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है विलियम ओ'नील के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी जी। आपको बता दें कि मयूरेश जोशी जी शेयर बाजार के उन चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से हैं जिन्हें बाजार की दिशा पकड़ने में महारत हासिल है। आज मयूरेश जी से हम उनकी इस विद्या के गुर सीखेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम मयूरेश जी के साथ चर्चा करेंगे वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यानी लंबी अवधि का निवेश। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, किन के लिए सही होती है, कैसे की जाती है, किसे करनी चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि शेयर बाजार में लंबी अवधि का निवेश करने से मुनाफा होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर किसी निवेशक ने आज से 10 साल पहले येस बैंक या सुजलॉन के शेयर खरीदे होते तो आज उसका पैसा उड़ गया होता। एक समय निफ्टी का हिस्सा होने वाले ये शेयर आज पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या फिर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी नहीं होती है, कब अच्छी नहीं होती है, आपके मन में भी ऐसे कई तरह के सवाल होंगे। मयूरेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन की इस खास श्रृंखला मनी मास्टर में। धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। प्लेजर संदीप जी, आपके शो कहने। हाँ सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा यानी कि उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, यानी कि क्या होती है एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो संदीप जी, आई थिंक आपके सवाल के दो पहलू है। आई थिंक टैक्सेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी साल भर के ऊपर, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे 15% 20% होता है। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि आपका खुद का रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आपके एज के हिसाब से, आपके रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से, एंड एट व्हाट टाइम यू हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। यानी अगर आप थोड़े लेट स्टेजेस में मार्केट में आए हो तो आपका रिस्क प्रेफरेंस थोड़ा हल्का होना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत लंबी रहती है और अच्छी तगड़ी रहती है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक लॉन्ग टर्म इज आइडियली एनीवेयर बिटवीन 1.5-2 years एंड दैट कैन एक्सपेंड अप टू 4-5 years। तो कम से कम 1.5 से 2 साल और आप 4 से 5 साल तक भी एक्सटेंड करें अपने निवेश को तो आप मान सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म का निवेश होता है या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आता है। टैक्सेशन के लिहाज से देखें तो अगर आप 1 साल से ज्यादा यानी कि 12 महीने से ज्यादा अगर होल्डिंग पीरियड है आपका तो फिर वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग में उसे शामिल किया जाता है। सर, एक चीज बताइए कि मार्केट की जहां तक बात है कि निफ्टी अगर हम देखें हाई से करीब 10-15% के आसपास करेक्ट हो चुका है, यानी कि सेंसेक्स निफ्टी जो मेजर इंडाइजेस हैं वो अभी तक बेयर मार्केट में नहीं आए, यानी कि हाई से वो 20% से ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं। पर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि बेयर मार्केट में एंटर कर चुके हैं। आपका क्या मानना है सर, जो 7500 से लेकर हमने जो तेजी की शुरुआत की थी, जो बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी, क्या वो बुल मार्केट आज भी इंटैक्ट है या तो फिर वो फेज जो है वो मार्केट से पूरा हो चुका है? नहीं संदीप जी, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। और अगर मैं आपको एक 2000 से लेके चलूं जहां तक .com बस्ट हुआ था, राइट अप टिल द बुल मार्केट रैली 2003 से 2008 तक चली थी, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, 2017 में एशियन करेंसी का क्राइसिस हुआ, 2015 में एक बेयर मार्केट देखा और 2018 में बेयर मार्केट देखा। तो बुल और बेयर मार्केट आई थिंक मार्केट के दोनों पहलू होते हैं, जैसे हम कहते हैं 2 sides ऑफ अ कॉइन। और बेयर मार्केट आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो बुल मार्केट में एक्सेसेस बने रहते हैं, जो ऑल टाइम हाई पे प्राइसेस जाते हैं, वैल्यूएशंस थ्रू द रूफ होते हैं, बेयर मार्केट ये सारे एक्सेसेस करेक्ट करता है और अच्छे खासे मौके देता है टू री एंटर इन टू गुड क्वालिटी स्टॉक्स या रीपोजिशन योर पोर्टफोलियो लुकिंग एट द ट्रेंड्स गोइंग अहेड। तो मेरे हिसाब से आई थिंक लीनियर तो एक लाइन रहती नहीं है कि एक लाइन आप ड्रॉ कर लो तो वैसी वैसी चलती रहेगी। जैसे कार्डियोग्राम रहता है, स्टॉक मार्केट प्रॉब्ली मूव्स इन दैट फैशन, बट काफी लाजमी होता है टू प्रॉब्ली हैव दैट, क्योंकि आई थिंक आपकी जो रीशफलिंग और रीपोजिशनिंग होती है, मार्केट भले भाप ही जानता है कि आगे के ट्रेंड्स क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आई थिंक नेक्स्ट 10 years द ट्रेंड्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट जो 1990 और 2000 में थे। तो आई थिंक कुछ चुनिंदा लीडर्स आई थिंक सर्वाइव करेंगे फेस को, बाकी नए लीडर इवॉल्व होते जाएंगे। और इसलिए आपको आई थिंक ट्रेंड्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को आई थिंक हर 2 से 4 साल में चर्न करना जरूरी और आवश्यक होता है और बेयर मार्केट से अपॉर्चुनिटीज दे। ठीक है, मैं ये जो चर्निंग की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में आगे आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले सर, जब कोई मार्केट में एंटर करता है तो रोजमर्रा की अगर हम ट्रेडिंग की या तो फिर एंट्री की बात करें तो उसके सामने जो कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं उसमें एक है ग्लोबल क्यूज, यानी कि जो विदेशी संकेत हैं वो हमारे मार्केट्स के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि हमारे बाजार अमेरिका और एशिया के बाजारों को देखकर खुलते हैं और यूरोप के बाजारों का जो सेंटीमेंट होता है उसके मद्देनजर बंद होते हैं। तो विदेशी संकेतों में एक तरफ मंदी की आशंका है और दूसरी तरफ महंगाई में लगभग सारी दुनिया तप रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है सर कि
ग्लोबल मार्केट्स में क्या मंदी आ गई है या नहीं आई है? अगर आएगी तो फिर इंडियन मार्केट्स पे कितना इंपैक्ट होगा उसका? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक इवन इन बेयर मार्केट्स संदीप जी, आई थिंक एक पुल बैक रैलीज होते हैं, जो मैक्रो कंसर्न्स आप कह रहे हैं, आई थिंक भली भांति है आज मार्केट्स में. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो अमेरिका हो या वेस्टर्न यूरोप हो. लिक्विडिटी इज बीइंग विड्रॉन, क्योंकि जितनी लिक्विडिटी पंप इन हुई थी 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, इसका एक कंप्लीट विड्रॉल कभी आया ही नहीं था. तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इन्फ्लेटेड रिलेटेड लिक्विडिटी रिस्क थी, ये शायद प्ले आउट हो रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स आर बोथ विड्रॉइंग लिक्विडिटी और ब्याज दरें भी बढ़ा रहे हैं. इसका मतलब यही होता है, आई थिंक जो हमने कोविड में मार झेली थी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स, और चाइना में जैसे हम देख रहे हैं आज के तारीख में भी जो लॉकडाउन हुए, स्पेसिफिकली सप्लाई चेन को आई थिंक अभी भी थोड़ा कंस्ट्रेंट रखेंगे, बट आई थिंक ये परमानेंट फीचर होता नहीं है. उदाहरण के तौर पे वापस अगर आपको 2008 में लेके जाऊं, तो आई थिंक जो स्ट्रक्चरल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तब तो आई थिंक लेवरेज वाली क्राइसिस हुई थी, द मार्केट्स टुक सम टाइम, आई थिंक अच्छा खासा समय लगा था मार्केट्स को रिबाउंड होने में, बट इट डिड रिबाउंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स. आज के तारीख में आई थिंक एम्प्लॉयमेंट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं कि आई थिंक रिसेशन लेड कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, डिमांड बिल्कुल नहीं है, वो आप कहीं भी नहीं देख रहे हैं जग भर. आप इंडिया के एक उदाहरण ले, आई थिंक जो कोची में एक तस्वीरें आई थी कुछ दिनों पहले, आई थिंक पूरा मॉल फुल था रात को 12 बजे. आज आप वीकेंड पे जाए, आई थिंक रेस्टोरेंट्स फुल रहते हैं. इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स देखे, आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट एट अ हाई स्केल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यस, दिक्कतें हैं क्रूड गैस रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दे शुड गेट रिजॉल्व्ड ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, एंड मार्केट शुड रिस्पॉन्ड वेरी वेरी स्मार्टली टू ऑल दीज मूव्स. तो मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स को दो हिस्सों में बांटना चाहिए. क्या मार्केट स्ट्रक्चरल रीजन से गिर रहा है, और इज देयर समथिंग व्हिच द मार्केट इज प्रोबेबली नॉट लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और शायद एक दो क्वार्टर में वो रिकरेक्ट हो, और वो रिकरेक्टिंग फेज में मार्केट थोड़े पुल बैक रैलीज दे, बट वो कंसोलिडेशन फेज में बेहतर मौके मिलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के. ठीक है सर, जब आप कह रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से हम गिरावट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर मंदी का डर होता है तो मंदी में सिचुएशन ऐसी होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिमांड की इश्यूज होते हैं, और इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला है. बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप आईटी को काउंट कर लीजिए, आप चाहें तो उसमें फार्मा को भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों सेक्टर्स पे हमने देखा है कि रिसेशन के डर से, मंदी आने के डर से ही बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला. खासतौर पर इंडियन आईटी सेक्टर में देखें तो हायर लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है. इन दोनों सेक्टर्स पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जेफरीज जैसे, उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया. इससे पहले हमने जेपी मॉर्गन की ओर से भी डाउनग्रेड आता हुआ देखा था. तो कुल मिला के इस पूरे हाई ग्रोथ सेक्टर को लेकर क्या व्यूज हैं आपके, आईटी पर भी और फार्मा पर भी? अपनी राय बताइए. तो पहली बात तो संदीप जी, हमारा आईटी सेक्टर और यूएस का आईटी सेक्टर जो नैसडैक से भापा जाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. आर आईटी कंपनीज आर आउटसोर्सर्स, और उनकी आईटी कंपनीज प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपनीज. दूसरी आपको ये चीज देखनी चाहिए कि आई थिंक स्पेसिफिकली इन द लास्ट 10 ईयर्स और कोविड के बाद जो डिजिटल स्पेंड्स बढ़ रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज, दे आर गोइंग टू इंक्रीज मल्टीफोल्ड. यानी ये कोई रुकने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हर कंपनी हर इंडस्ट्री ऑटोमेशन चाहती है जिससे कॉस्ट बचे. तीसरा आई थिंक जो डर है वो है कि अगर रिसेशनरी फियर्स आते हैं और जो हार्ड लैंडिंग होता है रिसेशन का, जो हम 1-2-3 महीने में पता चलेगा विद डेटा कमिंग थ्रू, क्या आईटी स्पेंडिंग अच्छी खासी कम होगी? तो आई थिंक मेरा मानना यह है, जैसे हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं और जैसे हम काफी कंपनी से भी बातें करते हैं, कि आईटी कंपनीज की स्पेंडिंग कम, यानी इट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन टू जीरो. कम हो सकती है, बट इट विल स्टिल कंटिन्यू, क्योंकि लॉट ऑफ कंपनीज विल गो थ्रू दिस ट्रांजिशन फेज. और इसलिए आई थिंक जो एडेड प्रेशर पॉइंट्स है टाइम पे, आई थिंक जो इम्प्लॉई कॉस्ट है, जिसके वजह से आई थिंक जो वेज दरें हैं वो बढ़ी हैं, ट्रैवल के कॉस्ट वापस स्टार्ट हो गए हैं, ऑफिस के कॉस्ट स्टार्ट हो गए हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है जिसको हम वापस आईटी कंपनी आगे बिजनेस देती है, उसके कॉस्ट बढ़े, उसके वजह से मार्जिन पे प्रेशर है. बट मुझे लगता है आई थिंक दिस शुड गेट रिजॉल्व इन अ कपल ऑफ क्वार्टर्स. फ्री कैश फ्लो, यानी जो कैश फ्लो जो कंपनीज देती है, क्योंकि डेट कुछ कंपनीज पे होता नहीं है, ये बहुत जबरदस्त है इधर थ्रू डिविडेंड्स और बायबैक्स, और इसलिए आई थिंक ये रिवॉर्डिंग होती है शेयर होल्डर्स के लिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो यस, आई थिंक ये पैच बिल्कुल थोड़ा लीन है आईटी कंपनीज के लिए, बट यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर की पोस्ट कोविड फॉल, यानी मार्च 31, 2020 से लेके अक्टूबर 19, 2021 जब तक निफ्टी ने हाई मारा था, निफ्टी आईटी वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स. यानी कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी आउट परफॉर्मेंस मार्केट वापस लेके जा रहा है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सेक्टर टू बी इन इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. ठीक है, बहुत अच्छा सेक्टर है अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं. मैं सर आपसे पूछूंगा अभी कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको इस सेक्टर में पसंद है, लेकिन चूंकि हमारा आज पूरा फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर है, एक फैक्टर जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स.
जिसमें हम रुपए की बात कर सकते हैं क्योंकि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। 80 रुपए का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी हमने टूटता हुआ देखा। व्यापार घाटा चुनौती बना हुआ है, चालू घाटा खाता घाटा जो है वो दूसरी मुसीबत है। आरबीआई के हर मुमकिन कदम के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। इन सब के पीछे अगर एक कोई कॉमन फैक्टर हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो है विदेशी निवेशकों की ओर से जारी बिकवाली, यानी कि जो एफआईआई की ओर से जो भारत से एग्जिट हो रहा है वो एक मेन रीजन रहा है। सर, विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली है, जो नाराजगी है, उसके पीछे आप क्या बड़ी वजह समझते हैं और उनकी वापसी कब तक हो सकती है? तो संदीप जी, आई थिंक दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया। अगर आप देखें कि एक जो एक रिसेशनरी माहौल होता है या जब एक मंदी का माहौल आता है, डॉलर एसेट्स की तरफ पैसा वापस जाता है। तो आई थिंक जो डॉलर इंडेक्स के आप मूव देख रहे हैं और जो बाकी करेंसीज की डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, आई थिंक इंडिया इज फार फार बेटर प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक जो डॉलर फ्लो है दैट इज कॉल्ड एज फ्लाइट टू सेफ्टी, यानी जो डॉलर की तरफ एक पार्किंग होती है इधर बॉन्ड्स में या उनके G6 में, ये आई थिंक पैसा वापस लेके जाते हैं क्योंकि उधर एक थोड़ी गारंटी जैसी होती है, सॉवरेन गारंटी होती है, एंड दैट हैपेंस फॉर एवरी मार्केट। इंडिया के साथ काफी मार्केट्स को ये विटनेस करना पड़ रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, जो मैक्रो फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, इंडिया इज फार बेटर प्लेस्ड। यानी आप इन्फ्लेशन नंबर देखिए इंडिया का 7%, यस इट इज वेरी वेरी हाई, बट बाकी के कंट्रीज का आप नंबर देखिए, टर्की समवेयर अराउंड 60-70% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यूएस की खुद महंगाई दर 9.5% डबल डिजिट्स तक पहुंच गई है, यूरो जोन इज एट द हाईएस्ट लेवल। सर, अपनी जो बास्केट है संदीप जी, वो फूड इन्फ्लेशन वाली बास्केट जो है, फूड इज अ बिग कंपोनेंट ऑफ दैट। और जैसे मॉनसून्स है, जो खरीफ आउटपुट है, रबी आउटपुट है, इट शुड स्टार्ट सिमरिंग डाउन। काफी मैक्रो फैक्टर्स हैं जो आई थिंक फेवर में है और ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में देने चाहिए। जैसे आपने करंट और फिस्कल डेफिसिट की बात की, डेप्रिसिएशन के वजह से ऑयल इंपोर्ट्स, गोल्ड इंपोर्ट के वजह से शायद करंट अकाउंट डेफिसिट इफ ऑयल स्टेज अराउंड 110 शायद 2.3-2.5% के तरफ रहे, बट क्या टैक्स कलेक्शंस में घटोतरी देखी है हमने? आई थिंक बिजनेसेस आर स्टिल डूइंग वेरी वेरी वेल। इनफैक्ट जो डेट लेवल्स है कॉर्पोरेट इंडिया की, वो ऑल टाइम लो लेवल पे आ चुकी है, एंड इनफैक्ट द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया टू जीडीपी एट ऑल टाइम हाई 4.2 इन द लास्ट 10 इयर्स। तो काफी मैक्रो फैक्टर्स है, इफ यू कंपेयर इंडिया टू द इमर्जिंग पैक का आर इन अ फार बेटर स्टेट, और एफआईआईज एट सम पॉइंट कैन नॉट इग्नोर दिस डेटा। एक नेचुरल ट्रांजिशन है जो पैसा डॉलर की तरफ जा रहा है या डॉलर एसेट्स की तरफ, बट जैसे फ्लोज रिवर्स होंगे 1-2-3 तिमाहियों में, आई कांट टाइम दैट, बट व्हेनेवर इट हैपेंस, इंडिया इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट प्लेस मार्केट, एंड फॉरेन मनी जितने जल्दी गया है उतने जल्दी वापस आए। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि 1-2 या 3 तिमाही में ज्यादातर जो एफआईआईज हैं वो भारतीय बाजारों में लौटते नजर आएंगे, इंडिया रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो क्या फिर मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से अगर इसे हम जोड़ें तो क्या इस समय बाजार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही है? क्या हर तरह का बाजार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही होता है, या जब बाजार दौड़ता है तब ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जा सकती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब कितने साल के लिए पैसा लगाना चाहिए सर? तो जैसे मैंने कहा, एटलीस्ट 1.5 ईयर्स और 3-4 साल के लिए तो आई थिंक लगाना ही चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड्स होते हैं संदीप जी, आई थिंक इफ यू हैव द राइट सेक्टर दैट यू कॉट और उसमें अगर आपने राइट लीडर को पकड़ा है, जैसे हम हमेशा कहते हैं राइड योर विनर्स, ये कंपनीज अगले कुछ सालों तक आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस देते रहती है, एंड दिस सेक्टर प्रोबेबली आउट परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स प्रोफाइल। तो हम हमेशा कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि मार्केट्स इज अ स्लेव टू अर्निंग्स। इसका मतलब यही होता है कि कंपनीज या सेक्टर की आई थिंक क्या विशेषता है, व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके वजह से टॉप लाइन ग्रोथ इज गोइंग टू बी कंपाउंडिंग एट अ वेरी गुड पेस, मार्जिन अच्छी खासे रहने वाली, और बॉटम लाइन ग्रोथ जो अल्टीमेटली प्रॉफिट होता है जिसके ऊपर अर्निंग्स पर शेयर गिना जाता है रिटेल या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, ये कैसे कंपाउंड हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें आई थिंक एक लीनियर फैशन में कंपाउंड हो रही है अक्रॉस मार्केट साइकिल 1-4 साल के काल दिशा में, तो मुझे लगता है आई थिंक दीज कंपनीज एंड दीज सेक्टर्स विल आउट परफॉर्म, और इसलिए आई थिंक टू राइड विद दो सेक्टर्स एंड राइड द विनर्स विद इन दो सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर्स कस्ट पे है अर्निंग्स एक्सप्लोजन। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब करते हैं तो कितने समय के लिए कम से कम निवेश का जो नजरिया है वो रखना चाहिए, लेकिन सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो वो किन लोगों के लिए सही है? क्या जिनको 1-2 साल में पैसे की जरूरत होती है वो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, या जिनको 5-10 साल में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है केवल वही लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? तो आई थिंक अगर आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स है, और मैं मानता हूँ बहुत क्लियरली कि 1-1.5 साल के अगर आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू, क्योंकि काफी पेचीदार मामला होता है। कई कई कंपनीज ऐसी होंगी जो परफॉर्म ही नहीं करेंगी, द प्राइस विल जस्ट रिमेन स्टैग्नेंट, और काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मैंने कौन से स्टॉक में डाले ये तो कुछ हिल ही नहीं रहा है।
तो मेरे हिसाब से आई थिंक 5 से 10 वर्ष का अगर नजरिया हो, आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट फिट्स फॉर दैट। और आपके क्या गोल्स है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ सीआईटी और 27-28 आपके जॉब के लगे पहले 2-3 साल हुए, आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स में, आपको पता है आपके गोल्स क्या होते हैं? आफ्टर 3-4 ईयर यू विल वांट अ बिगर हाउस, अ बिगर कार, वंस योर किड्स आर देयर एजुकेशन की नीड्स बढ़ते हैं, जब आपकी एज और ज्यादा बढ़ती है तो इंश्योरेंस नीड्स बढ़ते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट कि आपके जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं ये मीट करने के लिए, और जो इन्फ्लेशन यानी जो इन्फ्लेशन का दर रहेगा अगले 5 से 10 वर्षों में उसको भी आपको आउटबीट करना है, क्योंकि आज जो आप 100 रुपए कमा रहे हैं 10 साल बाद आई थिंक टू बाय द सेम वैल्यू फॉर 100 रुपीज यू विल हैव टू पे 110 रुपीज एज एन एग्जांपल। सो इज योर इन्वेस्टमेंट गिविंग यू अ बेटर रिटर्न देन 10% ऑन व्हाट दैट इन्फ्लेटेड इन्फ्लेशन विल बी ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ये देखना जरूरी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक कंपाउंडिंग स्टोरी होती है जो आपके ये गोल्स को हासिल कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड अचीव योर लाइफस्टाइल स्टेटस एज वेल। तो आई थिंक ये दोनों चीजें बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। आपके गोल्स क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं, और आपकी जो लाइफ की स्टेजेस हैं उसके हिसाब से आपके जो खर्चे आएंगे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ओर उतरते हैं। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो में सर कितने शेयर रखे जा सकते हैं? क्योंकि अगर हम एक शेयर रखते हैं तो जिसने DHFL, येस बैंक, सुजलोन या JP एसोसिएट जैसे लॉन्ग टर्म शेयरों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, उनके तो पैसे लुट चुके होते। तो कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो को डिजाइन कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो आइडियली आई थिंक कॉन्स्ट्रक्ट शुड नॉट बी मोर देन 13 टू 15 स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि हर 6 महीने में आपको आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो चीजें होती है। एक आई थिंक अगर साइक्लिकल ट्रेंड्स बदलते हैं कोई इंडस्ट्री के लिए, वो लॉस के वजह से हो, रेगुलेशंस के वजह से हो, या स्पेसिफिक टू दैट सेक्टर एज वेल, इट इज हाईली पॉसिबल कि आई थिंक इवन द बेस्ट कंपनीज इन दैट सेक्टर माइट नॉट मूव इफ दीज कंडीशंस मूव अगेंस्ट देम, यानी उनके अगर विपरीत सिचुएशन होती है, नॉट बिकॉज व्हाट दे हैव डन, बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी एंड मैक्रो कंसर्न्स, आई थिंक ये सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, योर स्टॉक्स माइट अंडर परफॉर्म इवन विद अ लॉन्ग टर्म बायस। तो आपको हर 6 महीने आपका रिव्यू करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स और ये कैसे कंपनीज परफॉर्म कर रही। दूसरा आई थिंक विद इन दोस 13 एंड 15 थोड़ा डिवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग पूरा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, बट आई थिंक डिवाइड दैट बिटवीन 3 एंड 4 बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स एंड चूज द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन दैट सेक्टर। काफी लोग संदीप जी होता क्या है कि वैल्यू ट्रैप में पड़ जाते हैं, एंड ये बोलना बहुत जरूरी है नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि जो सेक्टर होता है वो लीडर छोड़ के जो सबसे नीचे पड़ा है, उसकी पी बहुत लो है, सिंगल डिजिट स्टॉक है, उसमें निवेश करना बहुत बेहतर होगा, इससे 10x 20x मुझे मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। उसका एक कारण होता है क्योंकि वो बॉटम ऑफ द लैडर, ये समझना और भागना बहुत जरूरी है। लीडर्स विल ऑलवेज आउट परफॉर्म क्योंकि वो पूरे साइकिल्स देख चुके हैं इन टाइम्स टू कम। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज ही मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ रहा था, ITC की आज 111th AGM है संदीप जी, तो आप सोच सकते हैं कि 111 साल ITC सर्वाइव कर चुकी है। तो ऐसे कंपनीज ढूंढे विच हैव सर्वाइव द मार्केट, शायद अंडर परफॉर्म करे कुछ सालों के लिए। आई एम नॉट सेइंग ITC इज बाय आउट राइट नाउ, बट कहीं ना कहीं आई थिंक स्टे विद लीडर्स, मॉनिटर योर पोजीशनिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो, 12 से 13 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स रखें, हर 6 महीने रिव्यू करें एंड लुक एट चर्निंग ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years इफ सर्टेन सेक्टर्स आर नॉट परफॉर्म। ठीक है, हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करें, उसकी समीक्षा करें कि आपने कौन से स्टॉक्स लिए हैं। और मयूरेश जी हमें बता रहे हैं कि 13 से 15 स्टॉक्स आप चाहें तो आइडियली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखें कि आपको डाइवर्सिफाई करना है कि 3 या 4 जो मेजर सेक्टर्स हैं उसमें आपको अपना पूरा जो निवेश है वो करना है, और उन सेक्टर्स में भी जो आपके जो 2 टॉप सेक्टर के परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उन्हीं के साथ आपको जाना है। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में नहीं जाना है कि जो सबसे नीचे सेक्टर में जो सस्ती कंपनी है उसको नहीं चुनना है, जो लीडर्स हैं जो कि बहुत सारे जो बाजार के फेजेस हैं उनको झेल चुके हैं, उनको निकाल चुकी हैं, उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन लीडर्स के साथ ही आपको रहना है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का कितना बड़ा हाथ होता है, इन दोनों का कितना बड़ा महत्व है जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं? तो एट ओनील संदीप जी हमारा मानना बहुत सिंपल है कि दोनों का थोड़ा मिश्रण होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स पे एट ओनील वी गिव ऑलमोस्ट 70-75% वेटेज और टेक्निकल एंट्री पॉइंट्स को 20-25% का वेटेज देते हैं। ये करना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक फंडामेंटल्स ऑब्वियसली आई थिंक विल टेल यू द डायरेक्शन कि कौन से सेक्टर्स कैसे मूव हो रहे हैं, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसे रहा है,
और आप कैसे भाप सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स कस्पे अर्निंग्स एक्सप्लोजन के। टेक्निकल फैक्टर्स इसलिए जरूरी है कि जो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स होते हैं काफी स्टॉक्स कंसोलिडेशन फेज से जाते हैं और टेक्निकल पैरामीटर्स हमें ये इंडिकेट करते हैं कि एंट्री पॉइंट कौन सी बराबर है। तो एक कंसोलिडेशन फेज में अगर सप्लाई प्रेशर ज्यादा हो और मार्केट डायरेक्शन के विपरीत आप एंट्री ले रहे हो तो यू माइट एक्चुअली एंटर इनटू द मार्केट एट अ रॉन्ग टाइम व्हेन द मार्केट एंट्री इज इटसेल्फ कंसर्न्ड। और दूसरा जब सेलिंग प्रेशर हावी है पूरे मार्केट के लिए स्ट्रोक सेक्टर या वो स्टॉक के लिए, तो आई थिंक टेक्निकल्स इज फॉर द एंट्री पॉइंट एज पर दुनियल मेथोडोलॉजी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ड्राइव द स्टॉक एंट्री। तो आई थिंक दोनों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप केवल फंडामेंटल्स को देखिए, टेक्निकल का साथ में मिश्रण रखिए, यानी कि टेक्निकल्स आपको इस चीज़ का इशारा देते हैं, इस चीज़ का इंडिकेशन देते हैं कि आपकी एंट्री कब उस स्टॉक में होनी चाहिए, और फंडामेंटल्स आपको बताते हैं कि आपको कितना लंबा उस स्टॉक में ड्राइव करना है उसकी ग्रोथ के साथ। अच्छा सर, एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि शायद किसी के भी मन में जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शुरुआत करता है वो बहुत ही बेसिक चीज़ वो ये है कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग SIP यानी म्यूचुअल फंड्स के रास्ते सही है या कोई डायरेक्ट शेयर खरीद के जरिए भी अपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसकी शुरुआत कर सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास DHFL, येस बैंक, सुजलॉन, JPMorgan जैसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स के एग्जांपल हैं तो हमारे पास एशियन पेंट्स, टाइटन, TCS, रिलैक्सो जैसे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके भी बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। तो कैसे चुने निवेश के लिए एक अच्छी कंपनी, क्या हमें सीधे शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं यानी अपनी पसंद के शेयरों का चयन कर खुद भी हर महीने SIP की जा सकती है या तो फिर किसी एक एक्सपर्ट के पास आप एक म्यूचुअल फंड के जरिए ही अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें? दो चीजें आई थिंक संदीप जी, एक अगर आपको बिल्कुल समय नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, आप कोई अलग प्रोफेशन में हो तो माय बेस्ट सॉल्यूशन इज टू गो थ्रू म्यूचुअल फंड रूट। आई थिंक आप SIPs चालू करें, चूज SIPs विद इन लार्ज कैप, मिड कैप, डाइवर्सिफाइड, ये कैटेगरीज में ले लें। और मेरे हिसाब से आई थिंक यू कंटिन्यू योर SIPs अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, आपको SIP बंद नहीं करनी है क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा है जो डेटा प्रोवाइड करता है ओवर 10-20-15 इयर्स आई थिंक जो कंपाउंडिंग होती है इवन थ्रू मार्केट साइकिल्स SIP कैन जनरेट फैबुलस अमाउंट ऑफ रिटर्न, यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कैन जनरेट दैट। दूसरी आई थिंक अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अगर आपने लीडर्स चूज किए हैं तो उसमें कोई दोराय नहीं है। आई थिंक यू कैन डिसाइड एन अमाउंट दैट यू कैन पार्क एवरी मंथ और वो अक्यूमुलेट करते जाए, बट देन यू हैव टू बी प्रीटी श्योर कि आई थिंक जो आप स्टॉक्स के साथ है वो लीडर्स के साथ रहे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, एंड कंपनीज विच हैव एन एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसा ना हो कि आई थिंक यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू कंपनी विच इज रिसेंटली लिस्टेड जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कंपनीज के साथ, मैनेजमेंट पेडिग्री के साथ एक कॉन्फिडेंस होता है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे विल सर्वाइव एंड दे विल बी एबल टू आउट परफॉर्म देयर पीयर्स एज वेल। वो सारे मार्केट साइकिल देख चुके होते हैं, बेयर, बुल, द वर्स्ट ऑफ फेजेस, रिसेशन, डिप्रेशन, जो भी आप कहें, एंड दे हैव सर्वाइव थ्रू दैट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक चूज द बेस्ट कंपनीज इंडिविजुअली, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो बिल्कुल SIP चालू कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स अगर आप नोविस इन्वेस्टर्स हैं या आपको बिल्कुल टाइम नहीं है आपके अलग प्रोफेशन में, आई थिंक यू शुड गो थ्रू द MF रूट एंड कंटिन्यू योर SIPs अक्रॉस मार्केट साइकिल्स एंड कंटिन्यू दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास समय है, आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं तो आप चाहें तो सीधे भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप खुद की रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो एक्सपर्ट का रास्ता चुनिए, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए, SIP के जरिए आप अपने जो निवेश की रणनीति है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा सर, एक इंडिया से थोड़ा अगर मैं बाहर जाऊं, US की बात करूं, तो वहां पे जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात होती है तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बहुत ही फेमस है वहां पे। भारत में जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये US की जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है वो कैसे अलग है सर? नहीं, अलग है नहीं, हमारी कंपनीज काफी डिवर्स है संदीप जी, और ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ भी नहीं है। आई थिंक काफी कंपनीज है जिसका एक एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सो दीज आर नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन। वापस मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक यू लुक एट एशियन पेंट्स, यू लुक एट पिडिलाइट एज एन एग्जांपल, जैसे मैं ITC का भी उदाहरण दे रहा था, 111वीं EGM है आज उनकी हो रही है, तो इनके एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं एंड दे नो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम क्या डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। वो मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपनी रणनीति और स्ट्रैटेजी बदलते हैं, उनके मोड्स बहुत तगड़े रहते हैं क्योंकि उनका जो प्रेजेंस होता है मार्केट्स में आई थिंक वो भले बात ही ज्यादा होता है, तो आई थिंक देयर गॉट अ ह्यूज प्रेजेंस इन द मार्केट इटसेल्फ, बैलेंस शीट्स काफी तगड़ी होती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक दीज आर दीज कंपनीज दैट कैन परफॉर्म ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। US में आई थिंक जो एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है और जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के आई थिंक जो पायनियर्स थे, ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट, यानी उन्होंने स्टॉक्स ले लिए थे काफी वर्षों पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट 100-200 इयर्स बैक, एंड जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट। बट मेरे हिसाब से आई थिंक टाइम्स हैव नाउ चेंज संदीप जी, बिकॉज डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतनी फास्ट हो रही है जैसे हम देख रहे हैं कि द नेक्स्ट 3-4 इयर्स आई थिंक जो आज के ट्रेंड्स होंगे वो आई थिंक दैट वुड हैव प्रोबेबली चेंज्ड इन 2025-2026। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ
कि डेढ़ से चार चार डेढ़ दो या चार वर्ष का नजरिया रखे, हर छह महीने में रिव्यू करे, ट्रेंड्स देखे, क्योंकि ट्रेंड्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट एंड यू शुड कैच दोस ट्रेंड्स वेरी वेरी फास्ट अगर आपके पैसों को डबल या ट्रिपल करना हो या आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म करना हो कंपेयर टू द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको हर छह महीने रिव्यू करना चाहिए और कम से कम डेढ़ से दो या चार साल तक का नजरिया आपको मार्केट्स में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जहां तक बात है वो तो आपने बता ही दिया कि हर छह महीने में हमें रिव्यू करना चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है सर जो ये कहता है कि आपको जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं उनमें निवेश करना चाहिए। अगर आप भी इस चीज से सहमत हैं तो कोई जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शुरुआत करता है तो उसके पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं उसका कितना हिस्सा होना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो आइडियली क्या प्रोपोर्शन है जो कि एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? तो एक मेरे हिसाब से संदीप जी एक स्मॉल पोर्शन होना चाहिए दो वजह से। एक आई थिंक जो डाउनसाइड रिस्क रहती है स्टॉक्स के लिए आई थिंक कम हो जाती है और दूसरा जब एक मार्केट मंदी के फेज से जाता है तो आपका तो कैपिटल अप्रिसिएशन होता नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल प्रोबेबली बी अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट। तो एटलीस्ट जो डिविडेंड्स आते हैं स्टॉक से एक सोलेस देते हैं कि कहीं ना कहीं आपको रिटर्न बन रहा है और जो अच्छी डिविडेंड वाली कंपनीज है आई थिंक एक कंसिस्टेंट पे आउट होता है उनका डिविडेंड का। अगर मंदी बहुत टाइम तक चली एज एन एग्जाम्पल इन 2008 जो आई थिंक दो से तीन साल तक चली, मार्केट को बॉटम से टॉप आने में लगभग 1300 दिन लगे थे, ऑलमोस्ट 3-3.5 years, एक बेयर मार्केट रैली भी हमने बीच में देखी थी 2010 में। बट आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं आई थिंक डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंटिन्यूज, थोड़े डिविडेंड्स कम हो सकते हैं बट एटलीस्ट देयर इज सम फॉर्म ऑफ अ सोलेस कि आई थिंक इन अ बेयर मार्केट थोड़े तो आई थिंक आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं थ्रू डिविडेंड्स एंड द बेस्ट पार्ट इज आई थिंक 10 लाख तक आई थिंक डिविडेंड इज टैक्स फ्री, तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर को उसकी भी चिंता नहीं। ठीक है सर, जब आप कह रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है खासतौर पर बेयर मार्केट में जब बाजार गिरता है जब कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है तब डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है, फिर जो डिविडेंड की रकम आ रही है उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? क्या उसे वापस री इन्वेस्ट करना चाहिए या उसे खर्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर मैं होता तो आई थिंक मैं खर्च कर लेता क्योंकि आपको थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए संदीप जी। ठीक है सर। अच्छा सर, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में तो समझ लिया, ये भी मान लिया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी होती है जैसे आपने कहा, उसका हमें टाइम फ्रेम भी बता दिया, रिव्यू करने के बारे में बता दिया। अब जरा हमें ये बताइए कि इस समय के बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से अच्छे नजर आ रहे हैं? तो दो तीन, जैसे एक तो कंज्यूमर साइक्लिकल जो डोमेस्टिक कंज्यूमर साइक्लिकल है वो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल लुक्स वेरी वेरी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और तीसरा आई थिंक जो चुनिंदा एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, अगर हम चाइना प्लस वन की बात करें तो स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल्स कैन कंटिन्यू डूइंग वेल अलोंग विद आईटी और सिलेक्टिव आईटी। तो मुझे लगता है आई थिंक बैंक्स और फाइनेंशियल्स की अगर वेरी ब्रीफली बात करूं तो अपनी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है आज की तारीख में कर्टसी रेगुलेटर विच इज द आरबीआई, कैपिटल एडिक्वेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी रिकॉग्निशन अच्छा खासा हो गया है और जितने आई थिंक पहलू हम देखते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न एंड यूरोपियन बैंक्स, आर बैंक्स आर फार बेटर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक जो बैकबोन होता है इकोनॉमी के लिए एन इकोनॉमी लाइक आर्स, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स रहेगा एंड देयरफॉर दिस सेक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स की मैं बात कर रहा था इसमें आप आई थिंक दो तीन सेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, थोड़े बहुत आई थिंक कंज्यूमर साइक्लिकल्स लाइक रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेयर्स, थोड़े आप बेयरिंग कंपनीज देख सकते हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनीज देख सकते हैं क्योंकि पूरा जो ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स ईवीज, आई थिंक गाड़ी बनेगी तब जब ऑटो एंसिलरी के पार्ट्स गाड़ी में लगे, आई थिंक गाड़ी तो ऐसे आने वाली नहीं है तो ऑटो एंसिलरी आई थिंक शुड बिकम द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल और काफी कंपनीज आर आई थिंक डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स रिलेटेड टू दैट, तो आई थिंक ऑटो एंसिलरी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसे मैं कह रहा था आई थिंक जो केपेक्स प्लान्स है गवर्नमेंट के अगले पौने दो वर्ष में जनरल इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट इज वेरी वेरी फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरिंग ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ केपेक्स। आप रोड डेवलपमेंट देखते ही होंगे, पोर्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जो कैपिटल गुड वाली कंपनीज है जो डोमेस्टिक सप्लाई करती है और जो स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स है चुनिंदा जिनके आई थिंक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं और एक बार आई थिंक ये जो डिमांड सप्लाई के डायनेमिक्स और वॉर रिलेटेड सिचुएशन दो तीन तिमाहियों में खत्म हो जाएगी, आई थिंक FY23 के बाद आई थिंक एक टोटल टर्न आना देखना चाहिए हो जाएगा। तो मुझे लगता है तीन चार सेक्टर्स पे बिल्कुल फोकस किया। ठीक है सर, आपने कुछ बहुत ही बेहतरीन सेक्टर्स हमें बताए हैं जो कि लंबी अवधि के नजरिए से अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आपने बताई कि अगले पौने दो साल में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, जो केंद्र सरकार के इलेक्शंस आएंगे, क्या वही कारण है कि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि FIIs ने भले ही खरीदारी ज़्यादा तो नहीं की है लेकिन
जो मेन फोकस है उनका वो सरकारी शेयरों पे है। हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों में पिछले दो क्वार्टर में एफआईआईज की ओर से काफ़ी ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली है। क्या यही कारण है क्योंकि सरकारी केपेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा, उससे सरकारी कंपनियों को फायदा होगा? तो यस और नो, एक चीज आई थिंक जो गवर्नमेंट केपेक्स होता है वो डायरेक्टेड होता है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बट होता क्या संदीप जी, इसके वजह से प्राइवेट केपेक्स को पुश करता है, तो गवर्नमेंट केपेक्स अपनी तरफ आई थिंक एक पहली पुश देता है। और जैसे गवर्नमेंट खर्चा करती है कैपिटल अकाउंट पे इन डिफरेंट सेक्टर्स, ऑर्डर फ्लोज आने लग जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो आपने देखे होंगे कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी, रोड कंपनीज, पोर्ट कंपनीज, रेलवे कंपनीज, बेयरिंग कंपनीज, इनको सारों को ऑर्डर आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट विल प्रॉब्ली डू दैट। अगर मेट्रो का काम किया, हम वंदे भारत के ट्रेन की बात कर रहे हैं, पोर्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रस्ते की डेवलपमेंट देख रहे हैं, कच्चे पक्के हाउसेस की देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफी कुछ चीजें जो केपेक्स होते हैं वो प्राइवेट केपेक्स में आई थिंक तब्दील हो जाता है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट केपेक्स जब एक साथ आ जाए इन कंपाउंडिंग फैशन, जीडीपी को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। तो चुनिंदा सरकारी सेक्टर्स आई थिंक उसमें आई थिंक जरूर आई थिंक गवर्नमेंट फोकस रहेगा, डिविडेंड यील्ड भी अच्छे होते हैं, कैश फ्लोज अच्छे होते हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बट मुझे लगता है आई थिंक बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स प्राइवेट केपेक्स विल थ्राइव। और इसके लिए आई थिंक प्राइवेट कंपनियां जो हमारी लिस्टेड स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और बड़ा हिस्सा है उस पर ध्यान देना चाहिए, बट आई थिंक अल्टीमेटली इट बेनिफिट्स द स्टॉक मार्केट। अच्छा सर, जब आप कह रहे हैं कि जो निजी केपेक्स है, निजी खपत है, वो भी कहीं ना कहीं लौटती हुई दिखेगी, सरकारी कंपनियां तो इन्वेस्ट करेंगी करेंगी, उससे ग्रोथ कहीं ना कहीं ड्राइव होती हुई दिखेगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आए या दूसरे किसी अन्य सेक्टर से आए। एक सवाल जो सर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं क्रूड से लिंक्ड है कि अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो फिर क्रूड भी कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिखेगा। हालांकि थोड़ा हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन एक अनुमान एक बड़े ब्रोकर की ओर से $380 के भी आए थे, हालांकि थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन दूसरी ओर हमने $65 या $45 के नीचे के जो लेवल्स हैं वो भी देखें तो क्रूड में एक बुल वर्सेस बेयर का जो सिनेरियो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। खुदा ना खास्ता अगर ये $380 नहीं या $200 ही आ जाता है क्रूड का भाव, तो क्या ये जो पूरी बाजार की जो पूरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो पूरी पिक्चर है क्या वो बिगड़ तो नहीं जाएगी? नहीं, अगर 200 आया तो संदीप जी आई थिंक बाजार में रहने का ही मतलब नहीं है, क्योंकि आई थिंक इक्विटी मार्केट्स में तो बट मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक दो चीजें हो रही है, आई थिंक जो सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स है, ऑब्वियसली आई थिंक इवन दी ओपेक एंड नॉन ओपेक कंट्रीज नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जो ईवी की तरफ पुश हो रही है, जो रिन्यूएबल्स की तरफ पुश हो रही है अक्रॉस कंट्रीज, और जो काफी देशों ने टारगेट्स रखे हैं 2030 तक का, आई थिंक ये तो देश इफ नॉट कम्प्लीटली आई थिंक पार्शियली हासिल तो कर ही लेंगे। तो आई थिंक जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है वो वैसे भी कम होने वाली है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अभी इसमें कैसे ट्रैक्शन होता है ये देखना बहुत जरूरी है, बट मुझे लगता है आई थिंक ये 200-360 के टारगेट्स आई थिंक काफी हाइपोथेटिकल है। मेरे हिसाब से आई थिंक द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी आर प्रोबेबली सीइंग इन ईवी एंड रिन्यूएबल्स, ये और जो इन्वेस्टमेंट्स इसमें लग रहे हैं, आई थिंक दे विल कंपाउंड दिस स्टोरी फॉरवर्ड और बहुत फास्ट कंपाउंडिंग होगी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो मुझे नहीं लगता आई थिंक 200 तक पहुंचेगा, इसलिए बाजारों को कोई डर नहीं होना चाहिए क्रूड से। सर मेरे पास थोड़ा ना समय कम है, मैं बार बार आपसे ना स्टॉक्स के बारे में पूछने जाता हूं, तो जब आप कोई जवाब दे रहे हो तो मेरे मन में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आ जाते हैं। और एक सवाल जो आपने ट्रेंड्स की बात करी थी ना, आपने बहुत सारे सेक्टर्स की बात करी, आपने बैंक्स की बात करी, कंज्यूमर्स की बात करी, आपने स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करी, आपने कैपिटल गुड्स की बात करी, रियल एस्टेट की बात करी, लेकिन जब हम आप नए ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो हम जो नई इकोनॉमी की जो कंपनीज है, जो न्यू एज कंपनीज हैं, जिसमें आप स्टार्टअप्स की बात करें, पेटीएम हुआ, जोमैटो हुआ, नाइका हुआ, पीबी फिनटेक हुआ, इन कंपनियों को लेके आपकी क्या राय है? क्या स्टार्टअप्स एज अ ट्रेंड के तौर पे आने वाले सालों में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के तौर पे किसी एक बंदे के पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए? अगर हाँ तो फिर स्टार्टअप्स का आपके पोर्टफोलियो में कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए? ये बहुत डिफिकल्ट है, और आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी ऑनेस्टली संदीप जी, आई थिंक 1 or 2 माइट सर्वाइव आउट ऑफ 100, तो आई थिंक ये कौन से एक दो होंगे कहना बहुत डिफिकल्ट होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप स्टार्टअप यूनिवर्स को देखिए, आई थिंक यू गो थ्रू आर्टिकल्स या आप गूगल करिए, आई थिंक देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एनी स्टार्टअप दैट यू प्रोबेबली सी। इसलिए आई थिंक जो इनोवेशन होते रहते हैं ये होते ही जाएंगे। क्या पी और वीसी का पैसा इसके पीछे आता है, क्या कैश बर्न होते हैं, पी और वीसी को भी पता है संदीप जी बहुत क्लियरली, आई थिंक उनके जो 10 इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एक ही चलती है, 9 फेल होते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि इट्स नॉट वन स्पेस विच आई विल कॉन्फिडेंट। ठीक है सर, लास्टली एक जल्दी से कुछ एक स्टॉक्स अगर आप बता सकें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से, हमने सेक्टर तो समझ लिए। तो आई थिंक 2-3 पहलू, एक तो आई थिंक जैसे बैंकिंग में मैं कह रहा था, आई थिंक लार्जर बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक एक स्ट्रक्चरल ट्रेजिक्ट्री में है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ, डिजिटलाइजेशन इंटरनली जो बैंक्स कर रही है और जो रीच ये बैंक्स को मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स,
I think should play out on their balance sheet very, very strongly as well. ऑटो एंसिलरी कंपनीज और मेजर ऑटो कंपनीज पे भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो पूरी ईवी का ट्रेंड है ये आई थिंक सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं रहेगा, आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज दैट कैन कम थ्रू फॉर द ईवी स्पेस एज अ होल. मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक सोना, कॉमस्टार, मिंडा इंडस्ट्रीज, मिंडा कॉर्प अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं, फीएम इंडस्ट्रीज एज वेल, बट फीएम काफी चल चुका है, तो मुझे लगता है आई थिंक ऑटो एंसिलरीज एज अ पैक पे आपको ध्यान देना चाहिए. तो मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा कुछ स्टॉक्स है जो आई थिंक एक कंपाउंडिंग स्टोरी दे सकते हैं अगले 2 साल. ठीक है मेरे सर, वैसे तो आपसे जब भी चर्चा होती है, जब भी बातचीत होती है, बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज आपसे विस्तार से काफी अच्छा टाइम लेकर आपसे बातचीत करने का मौका मिला है, तो काफी कुछ सीखने को मिला और ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ इस खास श्रृंखला मनी मास्टर के पहले भाग में जुड़ने के लिए, इसका आगाज करने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान शब्दों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में समझाने के लिए. आई होप आई मेड सेंस और ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी हमारी ये खास पेशकश और दर्शकों की समझ को और सहज बनाने वाली ये पहल पसंद आई होगी. अगले मनी मास्टर में एक और बाजार के एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. आज के लिए बस इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए मनी 9 के साथ. नमस्कार.